बिहार बोर्ड गजब है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर बार नतीजों के वक्त बिहार बोर्ड का कोई ना कोई ऐसा कारनामा सामने आता है जिसे सुनकर आप चकरा जाएं। दो साल पहले टॉपर घोटाले के बाद इस बार बिहार बोर्ड ने नया कमाल किया है। अरे हजारों छात्रों का भविष्य जवाब की बार कुमार जवाब दो तुमको देना होगा। बिहार में इंटर के नतीजे आने के 3 दिन बाद ही छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। आरोप है कि इस बार कॉपियां चेक करने में बड़ी धांधली हुई है। पटना में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड के दफ्तर के बाहर मौजूद राज प्रकाश नतीजे आने के पहले तक काफी खुश थे क्योंकि उन्होंने जेईई और मर्चेंट नेवी का एंट्रेंस पास कर लिया था। इंतजार कर रहे थे कि 12वीं के नतीजे आते ही एडमिशन ले लेंगे, लेकिन उनके साथ बड़ा धोखा हो गया। रिजल्ट में गड़बड़ हो गया, केमिस्ट्री में मेरा 3 नंबर दिया और मैथ में मेरा 27 नंबर दिया। कोई 3 घंटा बैठ के 3 नंबर का थोड़ा ही लिखेगा बोर्ड में, कम से कम 3 घंटा बैठेगा। मैं जो जे मेंस में पास कर चुके हैं, अब बोर्ड में हमको 3 नंबर दिया, ऐसा थोड़े संभव हो सकता है। बाकी विषयों में भी मनमानी ढंग से मांग बैठा दिया गया अपने। समझ में नहीं आ रहा कि कोई मेरा कॉपी का मतलब इसमें आंसर शीट नंबर बैठाया गया, किसी दूसरे कॉपी का नंबर बैठाया गया, पता नहीं चल रहा हमको। यही प्रकाश की तरह कई छात्र इस बात से नाराज हैं कि बिहार बोर्ड ने उनका भविष्य खराब कर दिया है। बलिराम की कहानी सुनिए। मेरा जेई में 26,000 रैंक ला करके भी यहाँ बोर्ड में फेल कर दिया गया है। क्या क्या आपका क्या फेल किया है? 2 विषय में फेल कर दिया गया है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। अच्छा, कितना मार्क्स है? 40 और 35। अच्छा, और उसमें फेल कर दिया गया है। तो आपका क्या दावा है? मेरा दावा है कि मेरा हम जिस तरह से एग्जाम मतलब एग्जाम दिए थे उस तरह से मेरे को पूरी तरह कॉन्फिडेंस से भरोसा था कि 70+ आना चाहिए मार्क्स। इसी तरह अरवल के एक छात्र को गणित के 35 नंबर के पेपर में 38 नंबर मिले। चंपारण के संदीप कुमार को भी फिजिक्स के 35 नंबर के पेपर में 38 नंबर मिले। दरभंगा के राहुल को 35 नंबर के पेपर में 40 अंक मिल गए और वैशाली की छात्रा को बायोलॉजी में 18 नंबर मिल गए, जबकि उसने बायोलॉजी का पेपर ही नहीं दिया था। हाजीपुर के रहने वाले अमन BIT निकालने के बाद एडमिशन की तैयारी कर रहे थे, पर उन्हें एक पेपर में नंबर ही नहीं दिया गया। मेरे को थ्योरी में नंबर दिया गया, ऑब्जेक्टिव में नंबर ही नहीं दिया गया। और सर यहाँ पे देखिए, मेरे को सर मैथ में ऑब्जेक्टिव में 40 नंबर आ रहा है और सब्जेक्टिव में 4 नंबर आ रहा है। मेरे को 1 नंबर सब्जेक्टिव में दिया जा रहा है, 9 नंबर दिया जा रहा है, जबकि मैंने ऑब्जेक्टिव में 40, 20, 19 नंबर लाया है, 35 में 20 और 50 में 40, और सब्जेक्टिव में मेरे को 4 नंबर दिया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए सर, ऑब्जेक्टिव में 25 में मैंने 23 लाया है और मेरे यहाँ पे 25 में 0 कुछ नहीं चढ़ाया गया, नीचे इनकम्प्लीट लिखा गया है। मेरे को VIT QSET में निकाल के बैठा हुआ हूँ। मेरे को 26 तारीख को एडमिशन कराना था, काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया था, और मेरे को अभी रिजेक्ट किया जा रहा है कि आपका बोर्ड में आप इनकम्प्लीट है, आप 12th में पास नहीं, आपको नहीं एडमिशन हो गया। मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया 1 साल, मैं क्या करूँ। नवगछिया के राजा कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ। सर नंबर ही नहीं दिया गया, पूरा 0-0 नंबर देकर बैठा दिया गया, कुछ मार्क्स ही नहीं मिला। और क्या बता रहे थे, किस में आपको ज़्यादा है? नहीं, ज़्यादा मार्क्स मेरा नहीं, किसी और स्टूडेंट का है, तो उसको 33 में फुल मार्क्स है, तो 35 में 38 दे दिया गया। ये सारे छात्र जो है वो यहाँ जो पीछे खड़े हैं, इंटरमीडिएट काउंसिल है और ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जिसका नाम है, यहाँ पर खड़े हैं, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, हंगामा हो रहा है। तमाम छात्र संगठन वो कह रहे हैं कि इनके साथ जो गलत हुआ है उसे तुरंत ठीक किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी मेरिटोरियस हैं, उनका जगह जगह पर इंजीनियरिंग में मेडिकल में एडमिशन होना है, लेकिन इनके मार्क्स जो है अभी तक दिए नहीं गए हैं, या अगर है भी तो पूरी तरह से ठीक नहीं है। BSc भी आखिर कर क्या रहा है टॉपर्स को लेकर के, और बाकी जितने छात्र हैं वो इस तरह से फेल कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस पर बिहार बोर्ड की गहरी चुप्पी है। हमारे सहयोगी शैल के साथ प्रकाश कुमार, ABP न्यूज पटना। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।